हेलो चिल्ड्रन, हरिओम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट न्यू वर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 इन अवर ईवीएस नोटबुक, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू लर्न वन पेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो यू नीड योर ईवीएस टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक बोथ। ओके, सो क्विकली गो एंड ब्रिंग योर ईवीएस टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक अलॉन्ग विथ दैट। गेट पेंसिल, इरेजर एंड स्केल, ओके, इफ यू वॉन्ट। सो बी रेडी विथ दिस थिंग्स। सो नाउ I'm gonna start new words, but listen to me very carefully. You don't have to write along with me. You need to listen to me and you need to speak along with me. Okay? After finish your video, you can write in your EVS notebook. Okay? But first you have to speak. Okay? So let's start. Number one, houses. Houses. Again repeat, houses. Houses. Number two, robbers. Robbers. See, robbers का मीनिंग होता है जो लोग डकैती डालते हैं ना, मतलब चोरी कर लेते हैं, फिर किसी को मार देते हैं, मर्डर करते हैं, they are called robbers. Okay. So again repeat the spelling. robbers, robbers. Number three, thieves, thieves. Okay. अगर कोई एक चोर है ना तो उसको बोलते thief. तो उसका स्पेलिंग क्या होगा? thief. और ये है बहुत सारे, दैट्स वाई इट इज थीव्स. ये प्लूरल है, ठीक है? तो थीव का मतलब क्या होता है? थीव्स का मतलब होता है चोर. जो लोग सिर्फ चोरी करते हैं ना घर में, आपके कोई भी घर में आके या फिर पैसे लूट के जाते हैं, उनको बोलते हैं थीव्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू वर्ड्स. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू स्पीक अलोंग विथ मी. ओके, यू डोंट हैव टू राइट विथ मी, यू नीड टू ओनली स्पीक. ओके, सो You all are ready? Yes or no? Yes. So let's start. Number one, houses. Houses. Again, houses. Houses. Number two, robbers. Again, robbers. रोबर्स. रोबर्स का मीनिंग क्या होता है? जो लोग चोरी भी करते हैं या फिर किसी का खून भी कर देते, दैट मीन्स मर्डर भी कर देते, उनको बोलते हैं रोबर्स, ठीक है? नंबर थ्री, thieves, थीव्स. सी, यहाँ पे बहुत सारे है ना, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड थीव्स. बट अगर कोई एक ही है चोर तो उसको बोलते हैं थीफ. तो उसका मीन, उसका स्पेलिंग क्या होता है? thief. ओके, ये प्लूरल है, दैट्स वाई थीव्स है, ठीक है? सो अगेन रिपीट द स्पेलिंग, thieves, थीव्स. नेक्स्ट, climate, क्लाइमेट. क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है? एटमोस्फियर. जो सीजन में जैसा भी एटमोस्फियर चेंज होता जाता है ना, उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं. जैसे कि से सनी डे में से रेनी डे होता है, तो उनको बोल, तो वो जो प्रोसेस होती है उनको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, ठीक है? मतलब एटमोस्फियर में चेंज होना. अगेन, climate. क्लाइमेट. नंबर फाइव, kutcha, कच्चा. houses, houses. कच्चा houses. मतलब ये जो होते हैं ना वो बहुत वीक होते हैं, और वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? दे ओनली एंड ओनली इन विलेज. ओके, इन सिटी एरिया वी कांट सी इट. यस, इन सम ऑफ द एरिया दे हैव
like this house, but nowadays it is not visible around us. Okay, so let me repeat again. KUTCHA, kaccha, HOUSES, houses, kaccha houses. Next, MUD, mud. मड का मीनिंग तो सबको पता है, कीचड़, जो बारिश की सीजन में हो जाता है. अगेन MUD, मड. नेक्स्ट WOOD, वुड. लेट मी रिपीट अगेन, WOOD, वुड मतलब लकड़ी. नाउ नेक्स्ट STRAW, स्ट्रो. सी, स्ट्रो टू टाइप्स की होती है, वो जो हम पीते हैं ना पानी जिससे, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो स्ट्रो भी अलग और ये वाली स्ट्रो भी अलग. ये वाली स्ट्रो देखो आपको पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में जो ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है ना घास जैसा, उसको स्ट्रो बोलते हैं. और सेकेंड में जो आपको वो ग्रे कलर जैसा दिखाई दे रहा है उसको भी स्ट्रो बोलते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रो भी अलग है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, सो अगेन रिपीट द स्पेलिंग, STRAW, स्ट्रो. नाउ नेक्स्ट PUCCA, पक्का, HOUSES, हाउसेस, पक्का हाउसेस, जो हम सिटी में देखते हैं हमारे आसपास. एंड वी ऑल लिव इन द पक्का हाउसेस. यस, सो लेट मी रिपीट अगेन, PUCCA, पक्का, HOUSES, हाउसेस, पक्का हाउसेस. नाउ नेक्स्ट BRICKS, ब्रिक्स. ब्रिक्स जिसकी वजह से घर बनता है, जो हमारी वॉल होती है ना वो ब्रिक्स से बनती है. ठीक है, सो BRICKS, ब्रिक्स. नंबर 11 CEMENT, सीमेंट. लेट मी रिपीट अगेन, CEMENT, सीमेंट. नेक्स्ट नंबर 12 IRON, आयन. लेट मी रिपीट अगेन, IRON, आयन. नंबर 13 MARBLE, मार्बल. मार्बल जो हमारे फ्लोर पे होता है ना, वही जिसकी फ्लोरिंग बनती है मार्बल की. ठीक है, अगेन MARBLE, मार्बल. नेक्स्ट MULTI, मल्टी, STOREYED, स्टोरेड. मल्टी स्टोरेड, उसका मीनिंग होता है कि कोई एक घर नहीं पर एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे घर होना, तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टोरेड. ठीक है, नाउ लेट मी रिपीट अगेन, MULTI, STOREYED, मल्टी स्टोरेड. नंबर 15 CARAVANS, कारवेंस. जो कार टाइप की होती है पर घर होता है. ठीक है, मतलब वो कार के अंदर ही, कार के शेप होता है उसके अंदर ही घर होता है. ठीक है, सो लेट मी रिपीट अगेन, CARAVANS, कारवेंस. दीज आर द न्यू वर्ड्स यू नीड टू राइट इन योर EVS नोटबुक. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन पेज ऑफ चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम अवर टेक्स्ट बुक. ओके, सो ओपन पेज नंबर 36 इन योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट. आफ्टर दैट यू कैन राइट न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक. ओके, बट फर्स्ट यू हैव टू लर्न द पेज ऑफ चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम योर EVS टेक्स्ट बुक. नाउ क्विकली ओपन. सो दिस इज पेज नंबर 36, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन. सो लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, houses. As we all know, we live in a different types of houses. Yes or no? Yes. Some are lives in a bungalows, some lives in a apartment, some are lives in a skyscrapers,
स्काईस्क्रेपर का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत ऊंची ऊंची इमारत होती है ना, उनको बोलते हैं स्काईस्क्रेपर्स। ओके, एंड सम आर लिव्स इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, सो वी ऑल लिव इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑफ अस नीड अ सेफ प्लेस टू लिव इन। हम सबको एक सेफ प्लेस चाहिए रहने के लिए, यस और नो? यस, व्हेन वी लिव इन अवर हाउस एट दैट टाइम वी फील सेफ, यस और नो? यस, वी बिल्ड हाउसेस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। ठीक है, जब हम घर में होते हैं तो घर हमें किससे बचाता है? फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड एंड स्टॉर्म। ठीक है, हाउसेस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रोबर्स, थीव्स एंड एनिमल्स दैट मे हार्म अस। और हमें घर किससे बचाता है? जो हमें हार्म करते हैं, लाइक रोबर्स, जो डकैती करते हैं वो, लाइक थीव्स एंड सम एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनसे भी हमें बचाता है ना घर, यस और नो? यस, तो घर हमें बचाता है जो चीज हमें हार्म करती है उससे भी। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाउसेस। एज आई टोल्ड यू, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस आर देर, एंड वी ऑल लिव इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। सो लेट स्टार्ट। वी बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वी लिव इन। ओके, हम घर बनाते हैं ना, वो किस हिसाब से बनाते हैं? क्लाइमेट मतलब एटमोस्फियर के हिसाब से बनाते हैं। सी, हमारे इंडिया में तो 3 सीजन्स होती है, तो हम अपार्टमेंट भी बनाते हैं, बंगलोस भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। बट कहीं जगह पे ऐसा है जहाँ पे सिर्फ बर्फ आती है, मतलब वहां पे स्नोफॉल ही होता रहता है, तो वो लोग क्या बनाते हैं? वहां पे इग्लू बनाते हैं। ठीक है, और हम इस तरह से कैसे अपना घर बना सकते हैं? अपने क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। ठीक है, वी ऑल्सो यूज बिल्डिंग मटेरियल्स दैट आर इजिली फाउंड नियर बाय। और हम जो मटेरियल यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने में और घर बनाने में, दैट आर अवेलेबल एट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अवर हाउस, मतलब वो हमारे घर के आसपास ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, कच्चा एंड पक्का हाउसेस। सी, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ओके, सम पीपल लिव इन हाउसेस मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रो। सी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कौन से घर में रहते हैं? मड, वुड और स्ट्रो, उनसे बने घर में रहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड हट्स और कच्चा हाउसेस। और उसको क्या बोलते हैं? हट्स मतलब जो झोपड़ी होती है ना वो, और कच्चा हाउसेस। ठीक है, दीज हाउसेस रिमेन कूल इन समर्स। और वो कैसे रहते हैं? समर मतलब जब बहुत गर्मी होती है ना, तब भी वो कूल रहते हैं। ठीक है, सो दैट मींस कच्चा हाउस कहाँ पे होता है, कहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं? जहाँ का क्लाइमेट हॉट हो। ठीक है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो ना, वहां पे कच्चा हाउस होता है, सो दैट दे कैन फील कूल। ओके, वी मे सी कच्चा हाउस इन विलेजेस। और हमें कच्चा हाउसेस कहाँ पे दिखने को मिलते हैं? इन अवर विलेज, यस और नो? यस, टुडे मोस्ट पीपल लिव इन पक्का हाउसेस। नाउ डेज पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिव इन पक्का हाउसेस। दीज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, आयरन एंड मार्बल। और वो किन चीजों से बनते हैं? देखो, कच्चा हाउस किन चीजों से बनता है? दे मेड अप ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रो। एंड पक्का हाउस किन चीजों से बनता है? दे मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, आयरन एंड मार्बल। दीज बिल्डिंग मटेरियल्स मेक स्ट्रॉन्ग हाउसेस। और ये जो मटेरियल्स होते हैं उनसे हाउस कैसा बनता है? स्ट्रॉन्ग। पक्का हाउसेस कैन बी सिंगल बिग हाउसेस कॉल्ड बंगलोज। और जो पक्का हाउस होता है ना, जो सिंगल होता है, मतलब
एक ही जगह पे बहुत सारे घर नहीं होते हैं ना, उसको बोलते हैं बंगलोज, ठीक है। दैट मीन्स वो पक्का भी होता है, पर एट द वन प्लेस दे ओनली बिल्ड वन हाउस, ओके। सो दैट इज कॉल्ड बंगलोज, ओके। दे कैन ऑल्सो बी टॉल बिल्डिंग्स विथ मैनी हाउसेज इन इट कॉल्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। और वो किस तरह का होता है, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं ना, उनको पता है कि एट वन फ्लोर देर आर फोर हाउसेज और सम टू हाउसेज आर देर। तो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो नाउ आफ्टर फिनिश दिस वीडियो यू हैव टू राइट योर न्यू वर्ड्स इन योर ईवीएस नोटबुक, ओके। सो कंप्लीट योर वर्क, स्टे सेफ एट योर होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, सी या।